Christ! आओ अपनी जांघों पर हाथ रखकर कसम खाएं, आज उनके छक्के छुड़ा देंगे। हमका चाहिए बदला। It's a friendly match, माही। हम कोनों के माही वाही नहीं। ये हमरी तलवार और ये तोप का गोला। कौन बोला? तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। होली वगैरह तो खेल ही चुके हो गए, अब तो नहा धो के आई थिंक शायद पबजी खेलने बैठे हो गए, मेरी वीडियो देख रहे हो गए, आई डोंट नो। वेल, अभी करंटली क्या कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमको एक बात बतानी है भाई। इंतज़ार इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार, मतलब वो सनी देओल की मूवी का याद है डायलॉग, मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही कुछ हो रहा है पबजी मोबाइल के साथ। वैसे जो न्यूज़ निकल के आई है, हमको पता था ऐसा ही कुछ सुनने में आएगा, रेडी थे हम इस चीज़ को सुनने के लिए, लेकिन फिर भी दिल को दुख ज़रूर हुआ है जान के। वेल, न्यूज़ क्या निकल के आई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो न्यूज़ कुछ ऐसी निकल के आई है कि चाहे आप रोज़ जितनी वीडियो बना लो, चाहे जितनी डेट दे लो, पबजी मोबाइल मार्च में तो नहीं आ रहा है। मतलब यार, मतलब ये बात हम सभी जानते हैं, तो मैंने 25 बार वीडियो में बोला था कि मार्च में आ सकता है लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन जब ये बात पूरी तरीके से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो सुन के दुख भी हो रहा है, क्योंकि यार मन तो कर रहा था गेम जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन अब फिलहाल ये गेम आपको मार्च में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अभी जो ट्रेलर भी शूट होना है वो तक शुरू नहीं हुआ है, तो मतलब समझ लो अभी टाइम लगने वाला है। वेल, कर ही क्या सकते हैं हम लोग। और इसमें सही बताएं तो पबजी मोबाइल या क्रॉफ्टन वालों की भी कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की वजह से। जहाँ तक सुनने को आ रहा है कि हरी झंडी तो मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये गेम लॉन्च करने में थोड़ा टाइम लगता है, ट्रेलर बनाना पड़ता है, थोड़ा टेस्टिंग वगैरह सर्वर करनी पड़ती है, और जब कुछ सब रेडी हो जाता है उसके बाद गेम को लॉन्च करा जाता है, तो हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में वो लॉन्च कर दें और पहले ही दिन हेडशॉट ही रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो मतलब मूड ख़राब हो जाए ना, गेम अच्छे से आना चाहिए। वेल, जो भी हो, बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो देखो, तुम लोग मैप पे देख रहे होगे, मेरे को दूर से बहुत देर से कोई मार रहा था, और इसको भी एक पूरी स्क्वाड को अकेले मार रहा था। अब यहां पर मैं हील लगा रहा था, मेरे को बंदा दिख नहीं रहा था, लेकिन तभी एक बंदा पास में आया, और ये दूर से बंदा डीपी चला चला के मेरे को डैमेज दिए पड़ा, और मेरे को ये भी नहीं पता ये बंदा है कहाँ। अब एक बंदा मेरे सामने से गया और मेरी फट गई, मेरे टीममेट से बोला बचाई लो आके। देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी टीममेट आ गई। अब यहाँ पर मेरे को रिवाइव मिल रहा था, लेकिन वो बंदा अभी भी फायर करे पड़ा था, और उसकी लोकेशन को पता नहीं थी, और उधर स्कूबी ने पूरे एक स्क्वाड को बचा डाला। अब ये बंदा कतई कातिलाना फॉर्म में था आज इसको पूरी खुली छूट भी मिली थी। मैंने असल में बोल ही दिया था इसको, भी मार जितना मार सकता है, तो ये भी हाथ रोक के नहीं बैठा हुआ था। और यहाँ पर हम लोग की फटी पड़ी थी, क्योंकि हेल्थ दोनों के पास ही नहीं थी, तो दोनों के कोने पकड़े बैठे थे। यहाँ पर मैं बैंडेज लगा रहा था, क्योंकि हम लोग के सामने उसने ESP फेंक दिया था बंदे ने, तो उसको हमारी लोकेशन पता थी, तो यहाँ पर उसको एग्जैक्टली पता था कि हम कहाँ हैं। और अभी तक उसका नेट नहीं आया था, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रेडी नहीं रश करने के लिए। तो जो बंदा झिझक रहा हो रश करने पर, उस पर तुमको रश कर देना चाहिए। अब इसको भी, इसके बाद जैसे ही हमारे पास आया, उसने अपनी ESP वाली पावर यूज करी, और उससे हमको उस बंदे की लोकेशन मिली, और हमने आराम से उसको मार दिया। लेकिन अभी जो दूर पे बंदा था जिसने मेरे को नॉक करा था, उसका कुछ हमको पता नहीं था पता कि वो कहां पर है। अब यहां पर मैंने बस ऐसे ही चेक करने के लिए चेक करा, और भाई वो बंदा वाकई वहीं ऊपर था। अब यार उसे गोलियां पता नहीं क्यों नहीं लग रही थी, लेकिन फाइनली जैसे वो मारने के लिए आगे आया, उसे जो एक हेडशॉट पड़ा और वो नॉक हो गया। तो यहां पर मैंने थोड़े राहत की सांस ली, लेकिन वो नॉक हुआ था, इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी स्क्वाड अभी भी यहां पर बच रही थी, तो भाई उसको भी हमको मारना था, तो हम रश करने गए। पहले से बना हुआ था। अब यहां पर इसको भी नॉक हुआ, और मेरे को दोनों बंदे दिख गए।
भाई सच्ची बोल रहा हूँ, एमके की आयरन साइड में कुछ नहीं दिखता, M7 के आयरन साइड में, सॉरी भाई। मैंने एक बंदे को नॉक करा और जिस हिसाब से हिट मार्कर्स आ रहे थे, सिर्फ हिट मार्कर्स ही दिख रहे थे मेरे को, उससे मेरे को ऐसा लगा दूसरा बंदा भी नॉक हो जाएगा, तो मैं अंधा स्प्रे दे रहा था। और यहाँ पर मैं नॉक तो हुआ, लेकिन अच्छी बात यह थी कि एक को नॉक करा और दूसरे को 1 HP छोड़ा था, तो मेरे टीममेट ने बहुत रिस्क उठा के मेरे को यहाँ पर रिवाइव दिया। और मैंने बोला भाग के स्कूबी के पास जाओ, चाहे जितना खतरा हो उसे रिवाइव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा टीममेट वहाँ पर उसको रिवाइव देने जा रहा था, और यहाँ पर मैं इनका ध्यान बटा रहा था, तो मैं इनको फुटस्टेप दे रहा था ताकि उनको लगे कि यहाँ पर एक बंदा है जिसको शिकार कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिसको शिकार करने आ रहे हैं वो असल में शिकार करने निकला है। तो चलो देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। अब यहाँ पर मैं एक हेलमेट भी ढूंढ रहा था, साथ में कुछ एमओ वगैरह भी ढूंढ रहा था। अब भाई साहब इसको भी मेरे को अपना हेलमेट दे रहा था, उसने पहले बोला था मेरा हेलमेट ले लो, लेकिन मैंने उसका हेलमेट नहीं लिया था, और यहाँ पर बिना हेलमेट के क्लच करा था, वो भी दो प्लेयर्स के अगेंस्ट मैंने। अब उसके बाद हम लोग को बहुत दूर एक फ्लेयर दिखाई दी थी, तो हम लोग ने फौरन नोवो से गाड़ी पकड़ी और सीधा फ्लेयर के पीछे गए। अब देखना ये था क्या हम टाइम पे वहाँ पहुँच पाते या फिर नहीं, क्या हम स्क्वाड को मार पाते या नहीं, या फिर ग्रोजा AWM M249 और MK लेके वो स्क्वाड हमको तो नहीं मार देगी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन आंसर तभी मिलना था जब हम वहाँ पहुँचे जल्दी से जल्दी। अब देखो यहाँ पर फ्लेयर हम लोग के सामने थी, बट मैंने वहाँ डिसाइड नहीं करा गाड़ी ले जाने का, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा एक हाइट एडवांटेज लेना चाहता था। अब भाई यहाँ पर मैंने देखा यार ये तो बाइक थी और कोई भी नहीं था, खुले में ड्रॉप आया था, तो हम लोग ने सोचा ये बंदे हैं का। अब इससे पहले कि होप टूटती एक बंदा जरूर दिखा। अब भाई ड्रॉप से मेरे को जो चाहिए था एग्जैक्टली वो मिला, AWM। अब यहाँ पर AWM से एक पहला शॉट एक बॉट को मारने के बाद, अब हम यहाँ से चले एक बंदे को ढूंढने, एक बंदा क्या बंदों को ढूंढने गए थे। और तुम यकीन नहीं मानोगे हमने पूरे मैप का एक घेरा मार लिया। हम कहाँ से आए थे, नोवो से। हमने स्कूल चेक करा, रोजॉक चेक करा, तुम्हारा क्या बोलते हैं उधर तक चले गए थे हम लोग, जॉर्ज पूल तक पोचिंग की चेक करके आए, कोई नहीं मिला, गटका गए, गटकम कोई नहीं मिला। उसके बाद हम लोग वापस से जब पुल की तरफ आ रहे थे मिलिट्री के, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग को एक स्क्वाड मिली जो कि हद से ज़्यादा अमीर थी। बे क्या नहीं था इनके पास, अब यहां पर मैंने टीममेट से बोला उधर से नहीं जाना, पूरी स्क्वाड उधर ही देख रही है, तो यहां पर मैं दूसरी तरफ से गया। भाई सामने वालों के पास भले ही दो दो M249 हो, MK हो, ग्रोज हो, लेकिन अगर M4 की गोलियां आप कनेक्ट कर पा रहे हो और सामने वाला नहीं कर पा रहा है तो मतलब समझ लो आप यही सब करोगे। मैंने ग्रोजा फेंकी। वेल हमारे पास अब इतने अच्छी लूट हो गई थी कि स्कूबी को ग्रोजा फेंकने की नौबत आ गई थी। वेल जो भी हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे और मैंने स्कूबी से बोला कि चलो क्वेरी की तरफ चलते हैं, उधर ही किसी को ढूंढते हैं, क्योंकि और किसी कंपाउंड में तो हमको बंदे मिल नहीं रहे थे। और तभी यहाँ पर स्कूबी को एक प्लेन दिखा और वो उसकी लालच में उतर गया। वेल मैं पता नहीं किसे प्लेन कहता हूँ, है तो ये ग्लाइडर।
यार तुम लोग एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये मेरे को चलाना बिल्कुल नहीं आता, पता नहीं क्यों। यार सीखना पड़ेगा यार। बैठा लो फ्यूल, नहीं तो अब यहां पर मैंने तीन गिरा दिए थे, सिर्फ एक बच रहा था जो भी कहां से फायर कर रहा था, मेरे को आइडिया नहीं था। पता नहीं ऊपर कहीं। भाई यहाँ पर मैंने उसको इतना सारा डैमेज दिया था, मैं स्कूबी से इतना प्यार से कर रहा था भाई, उसे मत मारना मत मारना, मैंने बहुत डैमेज दिया, लेकिन स्कूबी था मिस्टर किल चोर ने यार वो किल चुरा ली। अब सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था और मैं तुमको बिल्कुल भी यहाँ पर पकाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई इस बंदे को कब से ढूंढ रहे थे हम, कहाँ नहीं ढूंढा, ये बंदा हमको कहीं मिला ही नहीं। यहाँ पर कसम से स्कूबी एक नींद लेके आ गया और मैं गेम एग्जिट करने जा रहा था कि तभी कुछ हुआ। बहुत ही ज्यादा लेट है, पत्थर पत्थर भाई। जब से वॉल आई थी तब से लोगों ने स्मोक यूज करना कम कर दिया, और जब से एएसपी आ गया है स्मोक तो यूजलेस हो गया है। क्यों ये देखो, इसी वजह से मुझे पावर्स पसंद नहीं है, लेकिन यूज तो करना पड़ेगा भाई।